हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी ढेर सारे परतों वाली बिल्कुल हलवा स्टाइल बालूशाही की रेसिपी। इस रेसिपी में छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपका भी बालूशाही ढेर सारे परतों और ऊपर से खास्ता रस भरी बालूशाही मिठाई बिल्कुल हलवा स्टाइल बनकर तैयार होगी। हमारे बताए हुए ट्रिक या ट्रिप्स को फॉलो करके आप भी एक बार में ही परफेक्ट बालूशाही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम के करीब मैदे ले रही हूँ। कब से बताऊँ तो ये एक कप के करीब है। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे और 1 से 2 चुटकी इसमें नमक डाल लेंगे। नमक डालने से काफ़ी इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे तेल या घी में तल सकते हैं, लेकिन यहाँ मोयम के लिए घी लेंगे, क्योंकि घी से खस्ता बनता है और तेल से कुरकुरा बनता है। तो हमें घी लेना है, क्योंकि बालूशाही हमें खस्ता चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। और इस तरह से आपको मोयम दे लेना है, घी में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। और धीरे धीरे करके हमें इसमें पानी डालना है। तो इसका हमें आटा गूंथ कर नहीं तैयार करना है, इसे आटा को जोड़ना है। तो हमें इसे जोड़कर तैयार करेंगे, गूंथेंगे बिल्कुल नहीं। आटा को बस जोड़े हैं, गूंथे बिल्कुल नहीं हैं। और इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेंगे। यहाँ पर चाशनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक फैला हुआ बर्तन लेंगे, क्योंकि बालूशाही को हमें इसमें डिप करना है। और 500 ग्राम चीनी ले लेंगे। तो 300 ग्राम मैदे में 500 ग्राम चीनी लिए हैं। और जिस कप से चीनी लिए हैं उस कप से आधा कप पानी डाल लिए हैं। और चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करना है। ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर बालूशाही के अंदर तक चाशनी नहीं जा पाएगा, ऊपर ऊपर आपको चीनी दिखाई देगा। और ज़्यादा पतला कर देंगे तो फिर बालूशाही सॉफ्ट पड़ जाएगी, इसलिए एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा फूड कलर डाल लेंगे। और यहाँ पर एक तार की चाशनी होने वाली रहेगी तभी गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे, क्योंकि दोबारा जब इसे गर्म करते हैं तब तक ये 2 तार की हो जाती है। तो हमें कुल मिलाकर 1 तार की चाशनी चाहिए, तो इसे पहले ही बंद कर लेंगे। तो ये देखिए हल्का ये चिपचिपा हो रही है, यानी कि अभी 1 तार की नहीं हुई है। बंद कर लेंगे गैस का फ्लेम। यहाँ पर 20 मिनट हो गया है, आटा अच्छे से सेट हो गया है। और इसे फिर से मसल लेंगे। आपको जितना बड़ा छोटा बालूशाही मिठाई बनाकर तैयार करना है उसके हिसाब से लोई लीजिए और इस तरह से इसे गोला बना लीजिए। और इस तरह से हाथों में रखकर इसे चपटा कर लीजिए। इसके बाद पेन या फिंगर से आप इसमें होल कर लीजिए। ले लीजिए, एक बालूशाही मिठाई बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से सारे बालूशाही मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, आप इसे घर पर आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर ये मिठाई तैयार होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे बालूशाही मिठाई बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो 300 ग्राम मैदे में इतने सारे बालूशाही मिठाई बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख लिए हैं। तो तेल हमें हल्का गरम करना है, इसे चेक कर लेंगे। थोड़ा सा आटा के टुकड़े डालेंगे और आप देख सकते हैं जब आटा डालें तो नीचे की तरफ जाकर बैठ गए हैं। बिल्कुल इस तरह से हमें तेल गरम करना है, ज़्यादा तेल बिल्कुल गरम नहीं करेंगे, हल्का रखेंगे। और सारे बालूशाही मिठाई इसमें डाल लेंगे जितना आ पाएगा। और इसे अच्छे से सिकने देंगे, टच बिल्कुल नहीं करेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और आप देख सकते हैं जब एक तरफ से सिक गया, खुद पर खुद ऊपर आ गया है। और पहले से कंपेयर करेंगे तो साइज में भी बड़ा हो गया है। अभी गैस का फ्लेम लो रखे हैं और लो फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिए हैं और ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। बस इसे पलट लेंगे और बीच बीच में आप 1 से 2 बार गैस का फ्लेम लो से तेज कर सकते हैं, लेकिन हमें हाई बिल्कुल नहीं करना है। इसे अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पर, तभी जाकर जो हमारे बालूशाही है खस्ता बन पाएगा। और मैंने यहाँ पर सारे बालूशाही पलट लिए हैं और गैस का फ्लेम लो से हल्का तेज कर लिए हैं।
और यहाँ पर दूसरी तरफ से भी पक गया है। बस इसे पलट लेंगे और उलटते पलटते एक समान इसे हम पकने देंगे। यहाँ पर मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और पूरे मैंने लो फ्लेम पर इसे फ्राई किए हैं। बीच बीच में 1 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम लो से हल्का तेज किए थे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। बस इसे निकाल लेंगे, इसे डार्क बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि निकालने के बाद भी ये अपना कलर पकड़ लेता है। यहाँ पर सारे बालूशाही मिठाई निकालने के बाद चाशनी को हल्का गर्म कर लेंगे क्योंकि हमें चाशनी गर्म चाहिए और सारे फ्राई किए हुए बालूशाही इसके अंदर डाल लेंगे। और आप देख सकते हैं जो बीच में हम होल किए थे तो बालूशाही किस तरह से अपने अंदर चाशनी को खींच रहा है। तो होल करने से हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो अच्छे से पक जाते हैं और दूसरा चाशनी सारे अपने अंदर अच्छे से ये भर लेते हैं, तभी तो खास्ता और रस भरी बालूशाही मिठाई बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे बालूशाही मिठाई ऊपर की तरफ है, तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए चाशनी के अंदर ही छोड़ देंगे। फिर से तेल को हल्का ठंडा कर लेंगे और बाकी के बालूशाही मिठाई इसके अंदर डाल लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे अच्छे से। यहाँ पर बालूशाही मिठाई चाशनी में डाले हुए भी 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह से बालूशाही मिठाई नीचे की तरफ बैठ गए हैं क्योंकि इसमें अच्छे से रस भर गए हैं। और इससे ज़्यादा हमें चाशनी के अंदर इसे बिल्कुल नहीं रखना है, इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये लीजिए खस्ते और ढेर सारी परत वाली अंदर से रस भरी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही मिठाई बनकर तैयार हो गए हैं। और आपको एक मिठाई को तोड़ के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने अच्छे से रस भर गए हैं। तो आप भी जाइए और इसे एक बार बनाइए और 1 महीने तक खाइए और कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।